नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आलू परवल की बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। बिना लहसुन प्याज के भी आज हम सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो आप एक बार इस सब्जी को बिना लहसुन प्याज के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप इसे प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो परवल आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पाव परवल लिया है। अच्छे से परवल को मैंने पहले धो लिया था, फिर उसके बाद इसको हम जो आगे और पीछे का हिस्सा है उसको कट कर लेंगे और चाकू की सहायता से इसे हल्का सा छील लेंगे। तो इसे कुछ इस तरह से देखिए आप छील लीजिए, बहुत ही इसका जो हार्ड पार्ट्स होता है ना छिलके का, वो निकाल लेना है हमें। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता है, तो इसको अच्छे से हम पहले छील लेंगे चाकू की मदद से। तो देखिए इसे अच्छे से इसी तरह छिलके निकाल लेना है हमें। तो ये कुछ इस तरह से छिलका निकलेगा। तो इसी तरह सारे परवल के पहले हम छिलके निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने परवल को अच्छे से छील लिया है, इसका जो छिलका है इसको हम फेंक देंगे और परवल को अच्छे से एक से दो बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने परवल को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे हम काट लेंगे दोस्तों। तो एक परवल में से आप चार पीसेस कीजिए और एक पीस को ऐसे बीच से चीरा लगा दीजिए। और अगर आपको इसको लगे कि परवल का जो बीज है वो हार्ड है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, जो हार्ड पार्ट से बीज है उसको ही निकालिएगा। और इसी तरह आप सारे परवल को हम पहले कट करके तैयार कर लेते हैं। एक बार आप बिना लहसुन प्याज के हलवाई स्टाइल की सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये शादियों में परवल और आलू की सब्जी बनाई जाती है तो दोस्तों इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह मैंने देखे यहाँ पे सारे परवल को अच्छे से कट करके रख लिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ पे। यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 उबले हुए आलू। तो यहाँ पे हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं तो इसको बॉईल करके बनाएंगे आलू, तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। अब हम यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। तो एक कटोरी में मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है कलर के लिए, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर ले लेना है। तो जब इसकी सब्जी बनाएंगे तो हमारा मसाला जलेगा नहीं। हम यहाँ पे लहसुन प्याज कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इसी मसालों से हम तैयार करेंगे अपनी बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ पे। कढ़ाई में मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल डाला था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम परवल को फ्राई करेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से इसको हमें इसका कलर ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो लगातार चलाते हुए इसे आप अच्छे से भून लीजिए। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। एक बार आप इस तरह से बिना लहसुन प्याज के ये आलू परवल की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज एकादशी का दिन है दोस्तों, तो बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, इसे हम निकाल देते हैं और बचे हुए तेल में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें डालेंगे मैंने 1 छोटा चम्मच खड़ी धनिया लिए, इसको क्रश करके डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 2 तेज़पत्ता। इस सूखे मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। सारे सूखे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे डाला है मैंने 1/4 चम्मच हींग और गैस का फ्लेम स्लो करके ही इन मसालों को अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाले का पेस्ट बनाकर रखा था वो, और स्लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसमें जो धनिया और सौंफ और जीरे का जो फ्लेवर है ना दोस्तों, सब्जी को बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस स्टेज पर इसमें जब जीरा भून रहे हो ना उसी स्टेज पर आप इसमें अदरक ग्रेड करके डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज को टमाटर को बारीक काट करके ले लिया है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर डालने के तुरंत बाद अब इसमें नमक डालेंगे तो टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी गल जाता है।
तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसे हमें टमाटर को जब तक हमारा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। तो गैस का फ्लेम स्लो करके अब इसे हम कवर करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक हमारा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, इसको हम कलछी की सहायता से मैश करते हुए बीच बीच में चलाते हुए पका लिए हैं। अच्छे से हमारा जब टमाटर सॉफ्ट हो गया, देखिए मसाले से तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। उसके बाद इसमें जो हमने आलू लिए थे इसको रफली हमें तोड़ कर डाल देना है, जैसे आप आलू की सब्जी बनाते हैं ना आलू टमाटर की भंडारे वाले, बस उसी तरह से इसको रफली हमें तोड़ना है। यहाँ पे आलू को डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और मसालों के साथ इसे हमें ड्राई ही भुनना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से इसकी जब भुनाई करेंगे हम मसाले की तभी हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो अच्छे से भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हम जो परवल फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। तो अच्छे से परवल और आलू को 1 से 2 मिनट तक हम इसे कवर करके अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको हम कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आलू और परवल को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भून लिया है, हमारे आलू परवल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ड्राई सब्जी पसंद है और ड्राई खाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप इसमें गरम मसाला और धनिया की पत्ती डालकर सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ी सी लुटपुटी बना रही हूँ दोस्तों। तो इसको हम थोड़ी सी इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिए हैं हमने, पानी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम फिर बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये पूड़ी पराठों के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। अब यहाँ पे हमने डाला है 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। कभी भी सब्जी में गरम मसाला वगैरह लास्ट में डालिए तो इसकी खुशबू बहुत ही बनी रहती है सब्जी की और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हम ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसालों का जो गरम मसाले और कसूरी मेथी का फ्लेवर हमारी सब्जी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लुटपुटी सब्जी बनी है दोस्तों। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना लग रहा है ना कि बिना हम लहसुन प्याज इसमें सब डाले हैं, बट बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसे पूड़ी पराठों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको देखिए हमने अच्छे से बनाकर पका लिया है। जो हमने इसमें तेज़पत्ता डाला था, खड़े मसाले डाले हैं, आप उसको निकाल दीजिए और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई, तो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो यहाँ पे हम धनिया डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितना टेस्टी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, देखिए कितना देखने में यमी लग रहा है। और बिना लहसुन प्याज के हमारी ये सब्जी बनकर बहुत ही झटपट तैयार हो गई है, बस बहुत ही कम मसालों से हमने बनाकर तैयार किया है। तो एक बार आप इस सब्जी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है दोस्तों। इसे आप पूरी पराठे या फिर प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।